नमस्कार। तो टेक्निकल कैब में आपका एक बार फिर स्वागत है। टेक्निकल जीएसएम प्लस कैब ड्राइविंग, ओके पूरा बोल दिया मैंने। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो ऐसा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारे भाई ने, किसी ने पूछा है कि भाई ये टोकन नंबर क्या होता है। तो चलिए आज टोकन नंबर पर ही बात कर लेते हैं अपन, क्या शुरू करते हैं। तो टोकन नंबर वो होता है भाई मेरे, ओला ने एक जोन बनाया हुआ है हर जगह, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और कई ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर जहाँ पर टोकन नंबर चलता है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो जैसे कि मान लिए मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर गया और वहाँ पर पहले जो 100 लोग हैं, तो 100 उस खास पर्टिकुलर एरिया में, उनका GPS काम करता है इस तरह से, सॉफ्टवेयर काम करता है कि वो 100 लोग को टोकन मिल गया। 100 हम गए वहाँ पे उस एरिया में, तो हमें 101 टोकन मिलेगा, ये होता है टोकन। तो ओला वाला क्या करेगा, जो उनके सॉफ्टवेयर में 100 पहले हैं उनको पहले ऑर्डर फटाफट देगा। जब उनको ऑर्डर हो जाएगा, 101वां नंबर हमारा आएगा तो हमें 101वां नंबर देगा। ये होता है टोकन नंबर। और टोकन नंबर क्या होता है, देखिए एयरपोर्ट जोन ये लिख के आएगा, गो टू होम डिसेबल हो जाएगा, आप गो टू होम ऑन नहीं कर सकते वहाँ पे। तो गो टू होम ऑन नहीं कर सकते, और उसके बाद आपको लिखा हुआ आएगा, टोकन लिखा हुआ आएगा, जैसे कि टोकन 100 मैंने बता दिया, तो मतलब आपके आगे 99 लोग हैं, तो उनको बुकिंग हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं कि आपका 0 होने के बाद होगा, 15-20 बुकिंग रहेगा, या जैसा कहीं किसी को जाना नहीं है तो लोग पास करते हैं, तो कभी कभी 50 टोकन है, कोई नज़दीक जाना नहीं चाहता किसी एरिया में, तो भी आपका फटाक से अगर कोई नहीं ले रहा वो बुकिंग, तो आपको आ जाएगा, आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको आ जाएगा वो टोकन। मैंने सब लिखी है डिटेल्स। तो रेलवे स्टेशन, जैसे कि अभी मैं मान लेता हूँ T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अपना जो T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो देखिए माहौल नाके से लेके एयरपोर्ट के कुछ उस साइड के एरिया तक, एक सर्कल तक हम जैसे जाएंगे वहाँ पे हमें लिख के आ जाएगा एयरपोर्ट जोन, ये टोकन नंबर जिन फलाना ढिकाना, इतना टोकन नंबर हमें लिख के आ जाएगा। वैसे हमें रेलवे स्टेशन CST पर जाएंगे तो भी आ जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं है, फिर भी 2-4 टोकन नंबर हमें लिख के आ जाएगा। इस तरह से हमें ये टोकन नंबर लिख के आता है, तो टोकन नंबर जान लो। तो आज एयरपोर्ट का भाड़ा लगता है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ अगर उधर गया तो, मैं एयरपोर्ट साइड, तो अभी तो मैं इधर खड़ा हूँ मानखुर CNG भरने के बाद, मैं यहीं खड़ा होता हूँ डेली। तो देखते हैं अगर एयरपोर्ट की तरफ गए तो मैं आपको टोकन नंबर का स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो आप जब गाड़ी चलाएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ये टोकन नंबर क्या होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का क्या, और अब चलते हैं राइड में, देखते हैं क्या होता है, राइड की डिटेल भी डालते हैं। गुड बाय।